हाय गाइस, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक और एक मोटरसाइकिल का रिव्यू लेकर आए, विच इज़ द 2022 डुकाटी पानीगली V4S। तो आज हम लोग इस मोटरसाइकिल का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले हैं, और अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप लोग जरूर से एंड तक देखना, बिना कहीं स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अरुण शर्मा और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। Everyday told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me. Can't stop what sent me to the top. Believe me, I'm not resisting. It's all beginning. I'm all but willing to break the ceiling. Oh, I take a chance and do it. Take a stance and prove it to yourself and prove it. Every day you're moving. Every day's a new one. Don't fear to lose one. Bounce back and move on. The things we keep inside, I know I'll be alright. I'll fight with will and. So guys, here is the motorcycle. This is the Ducati Panigale V4S 2022 edition. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ से। अगर आप लोग सबसे पहले इस मोटरसाइकिल का फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको एक LED हेडलैम्प विद डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिलता है, जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। और अगर आप लोग इस हेडलैम्प के थ्रो की बात करेंगे तो इसका थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड आपको रात में एक अच्छा खासा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिरर्स देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके साथ आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी माउंटेड देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग फेंडर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है, फिक्स्ड विंडशील्ड है ये। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको फ्रंट में विंगलेट्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट फेंडर देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो। एंड साथ में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट टायर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल के फ्रंट टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पिरेली डियाप्लो सुपर कोर्सा का टायर देखने को मिलता है। एंड उसके साथ टायर साइज़ की बात करेंगे तो 120/70 ZR के 17-inch टायर इसमें ऑफर किया गया है। साथ में आपको मर्चेंसी फॉस्ट का व्हील देखने को मिलता है। और उसके साथ अगर आप लोग फ्रंट ब्रेकिंग की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 320mm का डुअल सेमी फ्लोटिंग डिस्क विद ब्रेम्बो ब्रेक्स, साथ में आपको 4-piston स्टाइल में कैलिपर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ मैनी टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑल इंच का सस्पेंशन देखने को मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस मोटरसाइकिल का रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। सो गाइस, नाउ लेट्स सी द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल का साइड देखते हो तो साइड से भी काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एंड एक ब्यूटीफुल सा लुक इस मोटरसाइकिल को देखने को मिलता है। और ऑल्सो अगर आप लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के डायमेंशंस के बारे में तो डायमेंशंस जो है वो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे जो डुकाटी पानीगली का जो बैजिंग है ये आपको पहले रेट्रो डिज़ाइन में देखने को मिलता था, जो डुकाटी बहुत पहले यूज़ करता था। लेकिन अब 2022 पानीगली V4S में भी इस डिज़ाइन को दिया है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसके साथ अगर आप लोग ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये एक न्यू डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो। इससे बेसिकली क्या होता है, इससे पहले जो पानीगली V4S था उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू आता था, जो काफ़ी लोग बोलते थे। लेकिन ये जो डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, इस वजह से अब इस मोटरसाइकिल में हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो यही था पूरा। एंड उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखते हो तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बल्कि सा फ्यूल टैंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल में आपको एक 17 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। अगर आप लोग सबसे पहले सीट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन सीट देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे पीछे आपको एक काउल भी मिलता है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो पिलियन सीट भी फिटमेंट करवा सकते हो।
एंड यहाँ पे आपको एक डुकाटी की बैजिंग देखने को मिलेगा। एंड सीटिंग डिज़ाइन की अगर आप लोग बात करेंगे तो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है पहले एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल, तो ये करा गया बिकॉज राइडर के कंफर्ट के लिए। एंड अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है ये सीट्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सीट हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो 850 mm का सीट हाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो सीट है ये पहले आपको एज एन एक्सेसरी देखने को मिलता था, लेकिन डुकाटी ने अब इसे स्टैंडर्ड फीचर में दे दिया है। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक 1103cc का V4 16 valve लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। जिस इंजन की अगर पावर एंड टॉर्क की बात करें तो 215 bhp का इसमें आपको पावर देखने को मिलेगा। एंड 123.6 Nm टॉर्क विद 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन डुकाटी क्विक शिफ्ट के साथ। सो गाइस अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल का रियर प्रोफाइल देखते हो तो रियर से भी इसको एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर श्योर। उसके बाद रियर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले LED टेल लैम्प देखने को मिलता है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही कूल डिज़ाइन में इसका टेल लैम्प देखने को मिलता है। एंड उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट डिज़ाइन इंडिकेटर्स दिया गया है, उसके साथ ये LED इंडिकेटर्स है फॉर श्योर। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। सो गाइस नाउ लेट्स सी द रियर टायर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल का रियर टायर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पिरेली डी एफ सुपर पोर्सा का टायर देखने को मिलता है। उसके साथ टायर साइज की बात करेंगे तो 260 ZR के 17-inch टायर विथ मर्चेंसी फर्स्ट का व्हील इसमें इस्तेमाल किया गया है। एंड उसके साथ अगर आप लोग बात करेंगे रियर ब्रेकिंग के बारे में तो रियर पे इसको 245 mm सिंगल डिस्क विथ 2 piston कैलिपर देखने को मिल जाता है। उसके बाद व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल के रियर पे आपको एक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑल इंच का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फुटपेक्स मिलता है। फुटपेक्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड ये काफ़ी अच्छी तरह से फोल्ड एंड अप होता है। उसके साथ यहाँ पे भी आपको फुटपेक्स मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको और तो फुटपेक्स देखने को मिल जाता है। और उसके साथ जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के क्लच की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोलिक क्लच देखने को मिल जाता है। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्स। अगर आप लोग सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिक कंट्रोल्स आपको देखने को मिलता है, जैसे कि लो बीम, हाई बीम, पासिंग लाइट का स्विच, हैजर्ड लाइट का स्विच, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने का कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड उसके साथ ये आपका टर्न इंडिकेटर्स का स्विच है, इसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग राइट साइड कंट्रोल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट और किल स्विच दोनों अटैच एक बटन देखने को मिलता है। एंड इसके ऊपर जो ये जो स्विच मिलता है ये हीटेड ग्रिप्स के लिए ये स्विच दिया गया है। सो गाइस नाउ लेट्स टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो यहाँ पे आपको एक 5-inch का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड ये बेसिकली फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा, डिजिटल टैकोमीटर मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। उसके साथ यहाँ पे आपको 2 trip meter मिलता है, आउटसाइड टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल फ्यूल गॉज, और उसके साथ काफ़ी सारा और ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये आपका 2 trip हो गया। जैसे आप सेटिंग मेन्यू की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिलता है। राइडिंग मोड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट मोड, यहाँ पे आपको कई सारे और मोड्स भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे पिन कोड, लैब, बैकलाइट, DRL, डेट एंड टाइम, टायर कैलिब्रेशन, टर्न इंडिकेटर्स, यूनिट्स इन्फो। एंड उसके साथ आपको ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस एंड जैसे कि आप एग्जिट देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी देखने को मिल जाता है। और उसके साथ जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली DWC डुकाटी व्हीली कंट्रोल मिलता है, DTC विच इज़ अ डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी उसके साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो दैट्स ऑल गाइस, यही था पूरा इस मोटरसाइकिल का रिव्यू। एंड इस मोटरसाइकिल में जो आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट जो आता है वो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। ऑल्सो इस मोटरसाइकिल को मैंने जिस शोरूम से रिव्यू किया है उस शोरूम का सारा डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपने इस वीडियो को इतना तक देख लिया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए।
जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। और अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर कनेक्ट होना चाहते हो तो वो उसका हैंडल्स भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो जाइए और जाके फॉलो कीजिए हमें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।